बॉलीवुड में हर सितारे की अपनी कहानी है, लेकिन संजय दत्त की लाइफ में कई अलग अलग पार्ट्स रहे हैं। उनकी लाइफ स्टोरी फिल्मी कहानी से कम नहीं है, तभी तो उनकी बायोपिक ने सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई थी। संजय दत्त की लाइफ बचपन से एडवेंचर से भरी रही है, कभी गम कभी डर, कभी अपनों को खोने का दर्द, कभी अकेलापन। लेकिन आज भी संजय दत्त इंडस्ट्री के बेहतरीन अभिनेताओं में से एक है और उनका आत्मविश्वास आज भी बरकरार है। हालांकि संजय दत्त अब 65 वर्ष के हो गए हैं और अब इस मौके पर मैं आपको उनकी लाइफ से जुड़े किस्से बताऊंगी। संजय दत्त ने अपनी लाइफ का हर पहलू इंटरव्यूज में बताया है और उन्होंने ये बात भी एक्सेप्ट की है कि फिल्म संजू जो कि 2018 में रिलीज हुई थी, उसमें जो भी कुछ दिखाया गया है वो सब उनकी लाइफ में उनके साथ बीत चुका है। 29 जुलाई 1959 को मुंबई में संजय दत्त का जन्म उस दौर के सुपरस्टार के घर हुआ था। जी हाँ, सुनील दत्त और नरगिस अपने समय के दिग्गज कलाकार रहे हैं और आज भले ही इस दुनिया में नहीं, लेकिन उनकी फिल्मों के जरिए वो हमेशा जिंदा रहेंगे। संजय दत्त अपने माता पिता के इकलौते बेटे हैं, वहीं उनकी दो छोटी बहनें नम्रता और प्रिया दत्ता भी हैं। संजय दत्त बहुत ही लाड प्यार से पाले गए हैं और इसलिए वो कुछ जिद्दी तो कुछ मनमानी करने वाले लड़के हुआ करते थे। संजय दत्त ने खुद ये बात बताई कि वे अपने पापा से बहुत डरते थे, वहीं माँ की हर बात मानते थे। उनका रिश्ता माँ से बेहद गहरा था। जी हाँ, बीबीसी को दिए इंटरव्यू में संजय दत्त ने बताया कि उनके पिता सिगरेट पीते थे और अक्सर एस्ट्रे में कुछ रह जाता था। उनके मन में उसे पीने की इच्छा रहती थी, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे क्योंकि उन्हें बताया गया था कि ये गलत चीज है। लेकिन एक दिन मौका पाते ही उन्होंने अपने पिता की सिगरेट ली और बाथरूम में जाकर पीने चले गए। संजय दत्त बताते हैं कि अचानक उनके पापा आ गए और फिर वहीं जूतों से मारने लगे। उन्होंने यह भी बताया कि सुनील दत्त संजू की हरकतों से इतना परेशान हो गए कि बोर्डिंग भेज दिया गया था उन्हें। संजय दत्त बताते हैं कि उनकी माँ उनके खिलाफ थी, लेकिन सुनील दत्त के फैसले के आगे वह मजबूर थी। जैसा कि फिल्म संजू में दिखाया गया है कि टीनेज से ही उन्होंने हर तरह का नशा करना शुरू कर दिया था। शौक शौक में उन्होंने कई ऐसे नशे भी किए जिसे छुड़ाने के इलाज के लिए उन्हें विदेश भी जाना पड़ा था। 1993 में गैर कानूनी हथियार रखने के इल्जाम में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उस बीच संजय दत्त की पहली पत्नी ऋचा शर्मा भी दुनिया को छोड़कर चली गई थी। संजय दत्त की लाइफ का बड़ा हिस्सा यूं ही बीता, लेकिन अब वो अपने इंटरव्यूज में कहते हैं कि नशा करना, गलत संगत रखना, ये सब कुछ इंसान को नीचे ही गिराता है। जी हाँ, संजय दत्त की माँ चाहती थी कि उनका बेटा एक बड़ा एक्टर बने, लेकिन संजय दत्त हमेशा दोस्तों के साथ घूमना और गलत चीजों का सेवन करना जैसे काम किया करते थे। हालांकि माँ के लिए उन्होंने अपने पिता की फिल्म रॉकी साइन की और उसे किया भी। साल 1981 में ही नरगिस को एक बीमारी हुई और फिल्म रिलीज से पहले ही वो दुनिया से चली गई, जिसके बाद संजय दत्त फिल्मों को लेकर सीरियस हुए और फिर इसी में उनका करियर बना। हालांकि अब संजय दत्त हर केस से आजाद हो चुके हैं और फिल्मों और फैमिली तक ही उनकी दुनिया सिमट कर रह गई है। जी हाँ, आपको संजय दत्त यानी कि संजू बाबा की स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही मोर इंटरेस्टिंग न्यूज स्टोरीज अपडेट के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।